Hello kids, welcome to math session. We are doing algebraic expressions and identities. So, learn करें आपने या नहीं करें identities. जल्दी जल्दी सोचें, हमने पहली identity क्या सीखी थी? A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. Second identity क्या सीखी थी? A minus B whole square is equal to ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और फोर्थ स्पेशल एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, वो हमने फिर वही हमें अब अपना लिखकर करना पड़ेगा. अगर हम ऐसे बोलेंगे आपको हो जाएगा, तो एक बार लिखकर देख लें. x प्लस ए एंड x प्लस बी क्या आएगा हमारा? एक्स स्क्वायर, यहां पे हमने आपको बताया था ए बी, और यहां पे हम क्या करेंगे? a प्लस बी एक्स. अगर आपको ऐसे लर्न करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स, आपको समझ में नहीं आता. तो दिस इज द हमारी द वेरी स्पेशल आइडेंटिटी. याद है? अगर याद नहीं है तो प्लीज डू लर्न दीज थिंग्स, क्योंकि अब हम लोग आज एक एक्सरसाइज इसी पर करने जा रहे हैं. तो ओके, लेट अस स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज. यूज, देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आ गया. यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. सो थोड़े चलिए, अभी अगर याद है वेरी गुड, जस्ट से आउट, नहीं तो हम लोग सोचेंगे कौन सा है. जैसे आपको भी प्रैक्टिस हो कि आप जैसे सम को देख के भी आप आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर सके. ओके, सो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, ये हमारा क्या जाएगी आइडेंटिटी? किसके साथ मैच कर रही है? हमें क्या है, दोनों सेम ही तो है ना. दिस मीन्स दिस इज मैचिंग विद ए प्लस बी होल स्क्वायर. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट इन दिस वे एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मीन्स ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री, है ना. ए बी, तो ये क्या आ जाएगा? टू एक्स थ्री एंड देन प्लस थ्री स्क्वायर. तो इसका क्या मीनिंग हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन. समझ में आया आपको या नहीं आया? अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम. ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन. अगर हम उसको खोलेंगे तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो यू कैन पुट इन दिस वे. अगर इस स्टेप पे आपको कंफ्यूजन होता है तो यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री. तो ये तो न्यूमरल है ना, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड. तो ये देखिए आइडेंटिटी जो है हमारी, ये इट्स अ शॉर्ट फॉर्म व्हेन वी डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स. हुआ या नहीं हो गया? नहीं तो हम इसको अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, हम लिखते यहां से मल्टीप्लाई करते एक्स एक्स प्लस थ्री, फिर लिखते प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री. अब इसको जब सॉल्व करते हमें ये आंसर मिलता. तो विद द फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव सॉल्व दिस पार्ट. ओके, मूविंग टू द दिस पार्ट, ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए माइनस बी होल स्क्वायर की, है ना. ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो बेस्ड ऑन दिस हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे टू ए माइनस सेवन होल स्क्वायर
सॉल्व कैसे होगा, ए स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 7 माइनस 7, लेकिन ये क्या है माइनस का है ना, तो माइनस हमारा यहीं पर, हमने इसलिए यहां पे रख लिया, एंड देन आपका मल्टीप्लाई माइनस 7 होल स्क्वायर, सो 2a होल स्क्वायर विल बिकम 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा a का भी होगा, सो दिस विल बिकम 4a स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4, 4 7 जा 28, 28a एंड प्लस का 49, तो द आंसर कम्स हमारा 2 टू जा 2a होल स्क्वायर, 2 टू जा 4, 4a स्क्वायर, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28 माइनस 28a एंड प्लस का 49, तो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी वी हैव सॉल्व टू सम्स। नेक्स्ट, अब आप देखें ये कौन सी आइडेंटिटी है, दिस इज a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, तो दिस मीन्स क्या हुआ हमारा, ये आया 1.1m माइनस 0.4, 1.1m प्लस 0.4 इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, ये क्या है हमारा 1.1a है एंड 0.4 इज b, सो ये हमारा आ गया 1.1m होल स्क्वायर माइनस हमारा 0.4 है b, तो 0.4 होल स्क्वायर, ठीक है ना, 1.1 इंटू 1.1 कितना हो जाता है, मीन्स 11 इंटू 11 121, तो अब 1.1 अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है डू इन दिस वे 1111 121 टू डेसिमल प्लेसेस, तो 1.21, सो 1.21 एम स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 4 इंटू 4 इज 16, अब दो डेसिमल प्लेस आ गए 0.4 इंटू 0.4 तो हमारा आ गया 0.16 स्क्वायर, क्लियर, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस इन दिस, द सेम वे वी आर गोइंग टू डू, द आइडेंटिटी इज सेम, तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा आ जाएगा ये, अगर हम ओके फॉर्मूला लिखेंगे तभी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 6x माइनस 7, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्लियर, तो 6x 6 का स्क्वायर है तो मीन 6x 36, एक्स का भी स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो आपने याद होगा व्हेन वी वर डूइंग दीज आइडेंटिटीज, तब आपको याद है कितनी लंबे हमारा सॉल्व होके आता था, आंसर छोटा सा आता था, द सेम थिंग विल हैपन हियर, आप इसको वैसे सॉल्व करके देख लें तो आपका 36x स्क्वायर है ना, फिर माइनस 42x और फिर यहां पे आपका ये आ जाएगा प्लस 42x माइनस 49, तो माइनस 42x प्लस 42x विल गेट कैंसल्ड आउट, सो ये आइडेंटिटीज क्या है, दे आर द शॉर्ट फॉर्म टू डू कैलकुलेशन ऑफ दीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, वॉट आर दे सेइंग, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, के एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ये वाली जो आइडेंटिटी है इसकी हेल्प से सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ अब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा जो आ गया एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 7 विल बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना,
सो हमारा पहला वेरिएबल भी हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है हमारा, सो दिस इज तो एक्स है, ये ए है एंड दिस इज बी, तो मीन्स 3 + 7 ये हमारा ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी मीन्स प्लस 3 प्लस ए बी, तो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, देयर इज नो प्लस का साइन, सो आई राइट इट अगेन, तो प्लस 3 × 7 ये आपका आ गया ए बी, क्लियर, तो ये तो हमारे पास x था ही, तो ये आ गया x स्क्वायर और 3 + 7 इज 10a, ओ सॉरी 10x प्लस 21, हो गया सॉल्व, इज दिस डिफिकल्ट, फॉर्मूला देख रहे हैं कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन एज वी कीप ऑन पुटिंग आउट द थिंग्स कितना इजी हो गया, तो जैसा मैंने आपको बताया था जो कॉमन वेरिएबल है आपका, तो यहाँ पे कॉमन वेरिएबल हमें एक्स मिल गया, और फिर जो हमें दो यहाँ पे जो हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, सो दैट विल बी कंसिडर टू बी ए एंड द अदर वन विल बी कंसिडर टू बी बी, देयर इज वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ये हम लोग इसलिए थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपको भी करने का प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ अब इसमें देख रहे हैं, जैसे उसमें हमें x कॉमन मिला था, हेयर जो है दिस इज 4x कॉमन एंड देन -5 विल बी कंसिडर टू बी ए एंड -1 विल बी कंसिडर टू बी बी, क्लियर, सो नाउ पुटिंग आउट दिस वैल्यू, तो 4x -5 4x -1 तो x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, दिस विल बी 4x स्क्वायर, क्योंकि ये कॉमन जो x जो है दैट इज कॉमन, तो 4x इज कॉमन, तो 4x का स्क्वायर प्लस नाउ a इज -5 प्लस -1, तो हमने यहां पे इसको इस टाइप से लिख देंगे, क्लियर, सो ये इसको लेट अस कीप इन अ बिग ब्रैकेट एंड देन प्लस ए बी, तो प्लस क्या आ जाएगा -5 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 4 का स्क्वायर इज 16, वेरी गुड, एंड x क्या हो गया स्क्वायर, नाउ ये जब ओपन करेंगे दिस विल बिकम -5 एंड -1, तो -5 -1 इज -6, ठीक है, लेकिन हमने एक पार्ट इसमें मिस करा, वी हैव नॉट रिटन द कॉमन थिंग, यहां पे आएगा 4x, सो वी मिस्ड इट राइटिंग इट, सो ये -1 एंड देन 4x, तो हमारा -6 इंटू 4x, और ये जो हमारा है -5 इंटू -1 विल बिकम प्लस का 5, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 5 × 1 = 5, सो द फाइनल आंसर इज 16x² 6 × 4 = 24 -24x + 5, क्लियर, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एक्स एक्स यहां पे भी हमें एक्स मिल जाता थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जस्ट इसको अगर आप चाहें तो पेंसिल से मार्क लगा के जस्ट राइट एक्स, इसको पेंसिल से मार्क लगा के राइट ए एंड इसको मार्क लगा के राइट बी एंड देन जस्ट पुट ऑन द थिंग्स, ओके बी की जगह मुझे -1 लिखना है, ए की जगह आई हैव टू राइट -5, इस टाइप से इफ यू डू द प्रैक्टिस यू विल बिकम वेरी वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग या इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और देखें जब आप सॉल्व कर रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमने मिस कर दिया था, लेकिन जब हम कर रहे थे तो हमें फील आया कि ये तो आंसर नहीं आएगा, हमारा तो यहाँ पे एक वेरिएबल के साथ हमारा कॉमन जो है वो चलेगा,
और इमिडिएटली हमने 4x लिख दिया। तो ये है कि जैसे जैसे यू विल गेट द प्रैक्टिस इमिडिएटली यू कैन ऑल्सो रिकोगनाइज ओके दिस पार्ट इज मिसिंग, शायद मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है, एंड देन इमिडिएटली यू कैन इम्प्रोवाइज इट। क्लियर? सो ये हमें भी ये मालूम होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड सॉल्व इट एट दैट मोमेंट। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ टू डू questions based on the identities. So this was the learning for us today. Please keep on doing these sums on your own. आपको भी जब तक practice नहीं करेंगे you will not feel comfortable doing these sums. So just start doing it, you are going to enjoy. In case of any issue, कोई आपको problem है, contact me through app. We are going to discuss personally and will solve your problem. See you in the next session. Bye.